Hello students, I am your math teacher. Today we will discuss about class 10 NCERT lesson triangles. This is part 15 video. Okay, so in this video we will discuss about example 4. So example 4 mein kya dekh rahe hain? In the figure, if PQ parallel to RS, PQ parallel to RS dekh rahe hain. Prove that triangle POQ similar to triangle एसओ आर, ये हमको प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, मतलब ये ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल और एसओ आर, एसओ आर, ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है. ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? यहाँ पर देखो गिवन में क्या देख रहे हैं, हमें गिवन में देख रहे पी क्यू पैरेलल टू, पी क्यू पैरेलल टू एस आर. ओके, ये हमें गिवन में देख रहे. ओके, अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम इस तरह से, मैं इस तरह से ड्रा करके बताता हूं. यहाँ पर देखो ये दो ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल से, और ये सपोज मान लो कि ये लाइन से, ये लाइन एल और लाइन एम, ये टू पैरेलल लाइन से, टू पैरेलल लाइन जब इंटरसेक्ट हो रहे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे थे, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये क्या है? ये एंगल सपोज ये वन और ये टू और ये थ्री और यहाँ पर ये फोर, मतलब जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो क्या रहेंगे यहाँ पर? इक्वल रहेंगे. तो सिमिलरली ये डायग्राम उसी तरह से, मतलब यहाँ पर ये देखो पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, तो यहाँ पर ये एंगल्स पी और ये एंगल एस, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. सिमिलरली यहाँ पर देखो ये एंगल Q और यहाँ पर ये एंगल R, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके, तो ये भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. देन अगेन हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल्स में और ये ट्रायंगल्स में, ये कौन सा एंगल? ये वाला है एंगल, कौन सा एंगल से? यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आल्सो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. सो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? इन ट्रायंगल POQ सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा? एस ओ आर. ओके, मैं ये नाम दे देता हूं, यस यहां पर ये एंगल वन और ये एंगल टू. ओके, तो देखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर में ये एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस बनेगा. यहाँ पर ये क्या होगा? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. अब यहां पर देखो अगेन, यहां पर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो यहां पर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से. अगेन यहाँ पर ये एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये भी क्या है? आपके इक्वल है. ये भी कौन से एंगल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. सो क्या होगा यहाँ पर? एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें थ्री एंगल्स इक्वल मिले, मीन्स क्या होगा? देयरफोर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, तीनों एंगल्स हमें इक्वल मिले, तो बाय ए ए ए, बाय ए ए ए क्राइटेरिया से हमें क्या मिलेंगे? ये एंगल्स इक्वल, सॉरी ये ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे. सो क्या होगा रीजंस? बाय एस 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 क्राइटेरिया, बाय एस 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 क्राइटेरिया से हमें सिमिलर मिले. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है. नाउ एग्जांपल नंबर फिफ्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.